हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है बलेनो पेट्रोल पे। मारुति सुजुकी बलेनो है ये, एंड 2018 मॉडल है। ये है बलेनो जेटा, जो टॉप सेकंड मॉडल आता है वो है ये। और ये एक बार आप देख सकते हो कितनी चली हुई है। ये सिर्फ चली हुई है 18,331 किलोमीटर, तो 18,000 किलोमीटर सिर्फ ये चली हुई है। और अभी आप देख रहे होगे इसका बोनट खुला हुआ है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुई और क्या दिक्कत है वो मैं सारी आपको बताऊंगा, और उस प्रॉब्लम से आप कैसे बच सकते हो। मतलब इसका इंजन अभी सीज हो चुका है 18,000 किलोमीटर पे, तो उस सिचुएशन में आप कैसे इसका इंजन बचा सकते थे, कैसे इसका इंजन बच सकता था, तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो इसका इंजन हुआ है हाइड्रोलॉक। हाइड्रोलॉक कुछ लोग समझते होंगे और कुछ नहीं समझते होंगे। तो हाइड्रोलॉक इंजन इसका हुआ है पानी में जाने की वजह से, मतलब जहाँ से एयर फिल्टर होता है वहाँ से अगर पानी इसका सक कर लेती है गाड़ी, तो इंजन हाइड्रोलॉक हो जाता है और उसमें भाई कनेक्टिंग रोड वगैरह बैंड हो जाती है। तो उसका रीज़न मैं बताऊंगा कि क्यों इसका इंजन हाइड्रोलॉक हुआ, और अगर ये पानी में चली भी गई थी तो इसके इंजन को बचा सकते थे, और कहाँ पर क्या गलती हुई वो मैं बताऊँगा। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो गाइस, आप देख सकते हो गाड़ी की कंडीशन बाहर से, मतलब पूरी, मतलब गाड़ी अभी बिल्कुल नहीं है। तो ये है 2018 फरवरी का मॉडल है, तो आउट ऑफ वारंटी तो ये वैसे भी हो चुकी है, लेकिन इसमें हुआ क्या वो मैं एक बार बता देता हूँ। भाई, मेरे एक रिलेटिव इस गाड़ी को लेके जा रहे थे, और उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो एक अंडर पास से वो निकल रहे थे और इनको लगा कि पानी कम है, लेकिन वो पानी मतलब यहाँ तक आ चुका था। आप देख सकते हो इतनी गाड़ी डूब गई चलते चलते, लेकिन इन्होंने सोचा कि भाई जल्दी से निकाल लेते हैं इससे। और उसमें जो इसका एयर फिल्टर था, एक बार आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये एयर फिल्टर होता है, ये था, इसके अंदर पानी पूरा मतलब चला गया था। और एक बार दिखाता हूँ आपको, टिक्की में रखा हुआ है इसका। तो ये वो एयर फिल्टर था, आप देख सकते हैं उसकी कंडीशन क्या हो रखी है, अभी भी इसमें रखा हुआ है, इसमें हमने चेंज कर दिया। तो इसमें आप देखोगे ये पानी आ रखा भाई पूरा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पानी के मार्क्स आपको दिख रहे होंगे। ये तो अब सूख चुके हैं, वो 10 से 15 दिन पहले की बात है। तो इसमें सीन क्या हुआ था कि मतलब जैसे ही इसने गाड़ी ने पानी शक किया तो ये बंद हो गई वहाँ पे। तो उस सिचुएशन में भी इसके इंजन को बचाया जा सकता था, क्योंकि इसमें सेंसर लगे होते हैं गाड़ियों में कि भाई एक बार अगर पानी इसको थोड़ा सा भी महसूस होता है तो गाड़ी बंद हो जाती है। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ से आपकी जो गाड़ी होती है वो एयर इनटेक करती है, और यहाँ पर पूरा एयर फिल्टर लगा होता है। ये इसकी थ्रोटल बॉडी है, जैसे आप थ्रोटल देते हो तो भाई ये इसकी बॉडी है। इसके बाद ये इनटेक मैनिफोल्ड है, इसके अंदर से आपकी एयर अंदर जाती है, जैसे फोर सिलेंडर है ये। इसके भाई कोइल लगे हुए, इसके नीचे इसके स्पार्क प्लग होते हैं। तो इसमें से पानी मतलब इसके साथ चला गया एयर के साथ, और उसमें ये गाड़ी हो गई बंद। तो उसमें अब इसकी कनेक्टिंग रोड बैंड हो चुकी है, मतलब इसका इंजन भाई खुलेगा और इंजन का काम होगा, जिसमें रिंग वगैरह डलते हैं। रिंग तो डलेंगे, कनेक्टिंग रोड जो बैंड हुई है, जैसे चार सिलेंडर है तो चार इसकी कनेक्टिंग रोड होगी। तो इसमें से मतलब भाई इसकी एक कनेक्टिंग रोड बैंड हो चुकी है, अभी भाई काम करे करो। तो इसकी कनेक्टिंग रोड बैंड हो चुकी है, तो अब मैं सिचुएशन समझा देता हूँ। तो उसमें क्या करना था, ये गाड़ी जैसे ही मतलब पानी में गई और बंद हो गई, तो इन्होंने क्या किया, इसको स्टार्ट करने के लिए ट्राई किया। लेकिन जब गाड़ी अगर किसी उसमें पानी में चली जाती है तो तुरंत उसको बंद कर दो, उसको छेड़ना नहीं चाहिए। अब भी हालांकि ये गाड़ी स्टार्ट है, उस टाइम ये स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन इस गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर दिया था, वो मैं बताता हूँ कैसे। और आप खुद भी कर सकते हो और किसी मैकेनिक से भी करवा सकते हो, अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो खुद भी कर लोगे। तो गाइस, उस दिन सिचुएशन ये हुई कि जैसे ही ये गाड़ी मतलब पानी के अंदर गई तो ये बंद हो गई। तो भैया को थोड़ी इमरजेंसी थी, मतलब कहीं पर हॉस्पिटल में जाना था उनको, तो मतलब रात का टाइम था और बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो उस सिचुएशन में कोई भी नॉर्मल बंदा पैनिक करेगा, मतलब पैनिक हो जाएगा। तो उन्होंने इसको स्टार्ट करने का ट्राई किया, उनको लगा कि भाई वैसे ही ये पानी के अंदर बंद हो गई होगी, तो ये सेल्फ बिल्कुल नहीं ले रही थी। जैसे ये सेल्फ दबा रहे थे, मतलब सेल्फ ये स्टार्ट कर रहे थे इसको, तो मतलब सेल्फ नहीं बोल रही थी, पूरी लाइट चली जाती थी। इनको लगा कि कोई रिले में प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसे में ही बंदा ये सोचेगा कि रिले में ही दिक्कत है। लेकिन गाइस, रिले में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना सेल्फ में दिक्कत थी। जैसे ही पानी अंदर गया ये इंजन हो गया हाइड्रोलॉक। तो जैसे ही ये गाड़ी बंद हुई, इन्होंने धक्के से इसको स्टार्ट करने का ट्राई किया, लेकिन ये धक्के से स्टार्ट नहीं हुई। तो इनको लगा कि भाई धक्के से नहीं होगी है, तो एक पिकअप ट्रक से इसको टो करके इन्होंने भाई स्टार्ट करने की ट्राई की। तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि इनको लगा कि भाई स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जहाँ पर मतलब अपना इंजन फ्यूल बर्न होता है ना, वहाँ पर पानी चला गया था। तो आप एयर को कंप्रेस कर सकते हो, जैसे इंजन में कंप्रेशन होता है, तो आप एयर को तो कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन वाटर को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से जैसे इंजन पिस्टन ऊपर आया, तो भाई पानी की वजह से कनेक्टिंग रोड उसी टाइम बैंड होगी, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। जब तक पानी उसमें रहेगा तो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो अब सीन ये होगा कि इंजन तो हो गया ख़त्म। तो इनको उस सिचुएशन में करना क्या था वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो
गाइज अब मैं बताता हूँ कि उस दिन क्या गलती हुई और आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी चाहे डीजल में हो चाहे पेट्रोल में, कोई भी गाड़ी हो, तो सेम प्रोसीजर होता है। तो ऐसे में अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, हाइड्रोलॉक हो जाती है, तो उसको स्टार्ट करने की बिल्कुल ट्राई मत करो। आपको सिर्फ क्या करना है कि सबसे पहले मैकेनिक को बुलाना है, और अगर उसी टाइम पे देखो, मैंने नेक्स्ट डे इस गाड़ी को मैंने खुद स्टार्ट किया था और ये बिल्कुल नॉर्मली अब भी स्टार्ट होगी, लेकिन कनेक्टिंग रोड जैसे बैंड होगी तो इसमें आवाज़ आने लगी, तो कनेक्टिंग रोड अगर हम चेंज नहीं कराएंगे तो पूरा इंजन डेड हो सकता है। अभी ये गाड़ी मेरे सामने है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप मैकेनिक को बुलवाओ, उसका पानी निकलवाओ, उसके बाद वो नॉर्मल गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपकी गाड़ी पानी में जाती है, उसको तुरंत अगर बंद नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि भाई एयर फिल्टर में से पानी जा सकता है, उसको बंद कर दो और चेक करो एयर फिल्टर भीगा तो नहीं है, इतना तो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाती है तो उसको दोबारा सेल्फ या कुछ भी स्टार्ट करने की ट्राई मत करो, उसको ऐसे ही छोड़ दो, आपका इंजन बच सकता है। और इस गाड़ी का भी इंजन बच सकता था अगर मैं वहाँ पे होता। तो अब मैं आपको सिचुएशन समझा देता हूँ क्या करना चाहिए आपको। तो नेक्स्ट डे मेरे को पता चला कि भाई गाड़ी के साथ ऐसा सीन हो गया, तो मैंने जाते ही देखा सबसे पहले एयर फिल्टर का जो ये हाउसिंग होती है वो लेके चले गए अंदर, तो उसमें से एयर फिल्टर में देखा पानी भरा हुआ था। यहाँ से मैंने थ्रोटल बॉडी चेक करी तो हल्का फुल्का ये देख सकते हो क्या सीन हो रखा है, तो उसी की वजह से कार्बन बना हुआ है। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे इसमें क्या किया, इसके जो ये कॉयल होते हैं इसको खोल के, इसके नीचे प्लग होते हैं, प्लग को निकाला मैंने, क्योंकि इसका कंप्रेशन इतना ज़्यादा होता है जब तक वो मतलब पानी निकलेगा नहीं ना बाहर। कुछ बंदे ये सोचेंगे कि जैसे सेल्फ मारेंगे पानी यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं होता। तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में अगर इसके हम इसको सिर्फ और सिर्फ इसकी कोयल खोल देते ना, ये कोयल खोल के इसका अगर प्लग निकाल देते, प्लग नीचे से खुल जाते, इसके नीचे प्लग होते हैं, चारों प्लग निकल जाने के बाद अगर हम सेल्फ मारते इसके कपलर निकाल के, तो गाइस जब वो पिस्टन ऊपर नीचे होते ना तो इतना प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा कंप्रेशन होता है कि वो ऊपर उस पानी को बाहर फेंक देते हैं और कनेक्टिंग रोड बैंड नहीं होती। अब सिर्फ और सिर्फ वो पानी के प्रेशर से बैंड हुई, वो पानी तो हल्का सा था ना, तो उसकी वजह से वो कनेक्टिंग रोड बैंड हो गई, तो इस इंजन में इतना ज़्यादा नुकसान हो गया और सिर्फ 18,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी का नुकसान हो गया। आप देख सकते हो हालांकि 3 साल पुरानी ये गाड़ी है, बट फिर भी यार 18,000 में क्या बिगड़ता है, कुछ भी नहीं। तो इस इंजन को ऐसे गाइस बचाया जा सकता था। अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में फंसते हो तो सबसे पहले डीजल गाड़ी में यहाँ पे इंजेक्टर होते हैं, उन इंजेक्टर को निकाल के सेल्फ मारोगे तो पानी बाहर निकल के आ जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें उसको आप स्टार्ट करवा सकते हो। अगर कोई मैकेनिक होगा तो उससे करवा लेना, आपसे नहीं हो पाएगी तो। लेकिन अगर आपकी कोई भी पेट्रोल गाड़ी तो उसमें एक ऑयल और वो निकाल के सेल्फ मारोगे, या तो सेल्फ लगने की हालत में नहीं थी तो हमने क्या किया, इसको फोर्थ गियर में पहले ये निकाल के फोर्थ गियर में आगे पीछे किया, तो उससे थोड़ा सा पानी मतलब वो जो पिस्टन ऊपर नीचे मूव होने लगे, लेकिन कनेक्टिंग रोड पहले ही बैंड हो चुकी थी क्योंकि ये खुले नहीं थे, उसको पानी को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला, तो उन्होंने कनेक्टिंग रोड बैंड कर दी। तो अब उस सिचुएशन में आप क्या करो, इसको खोल के अगर ये सेल्फ नहीं लगी ना, तो हमने फोर्थ गियर में डाला, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, इसको सेकंड गियर में डाल के और थोड़ी स्पीड में जब लेके गए तो पानी सारा बाहर यहाँ से निकल के आ गया प्रेशर के थ्रू। तो जब मैंने वापस इसमें स्पार्क प्लग फिट किए, नए स्पार्क प्लग, नया फिल्टर डाला, तो गाड़ी स्टार्ट तो हो गई, लेकिन उसमें भाई बहुत ज़्यादा वाइट स्मोक आ रहा था और कनेक्टिंग रोड बैंड थी। इसीलिए आपने जुल्फी भाई आज अपना काम कर रहे हो, और अपनी जाटा का भी काम अगर आपको दिख रही होगी वहाँ पे, वो जाटा अपनी खड़ी है, तो जितना मेरी जाटा का हेड का काम हुआ था अभी थोड़ा सा उसमें, तो इन्होंने ही किया था। तो अभी ये इसका इंजन का करेंगे, आप देखेंगे इसमें क्या मतलब प्रॉब्लम निकलती है। मेरे को तो इन्होंने बता दिया कि कनेक्टिंग रोड, तो मेरे को भी पता चल गया था जब आवाज़ थी, तो कनेक्टिंग रोड बैंड हो चुकी है। तो ऐसे में गाइज मैं आपसे सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आपकी गाड़ी पानी में जाती है तो प्लीज़ उसको स्टार्ट करने की ट्राई मत करो, वरना ये सिला आपके साथ भी हो सकता है। जो ये इस इंजन की हालत हुई है ना, वो सिर्फ स्टार्ट करने की वजह से हुई है, अगर स्टार्ट नहीं करते, जैसे ही मैं चला जाता और पानी निकाल देता तो ये इंजन बच सकता था गाइज। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, तो गाइज अब आपको पता चल गया होगा, अगर किसी की गाड़ी चाहे नई हो तो पुरानी, कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि इसकी गाड़ी का इंजन खुले, लेकिन हमारी मजबूरी है कि इसका इंजन करना पड़ेगा। इसमें कनेक्टिंग रोड डलेगी, इसके रिंग डलेंगे, क्योंकि अगर एक बार गाड़ी का इंजन खुलता है तो रिंग तो डलेंगे ही डलेंगे, तो रिंग डलेंगे, कनेक्टिंग रोड डलेगी, और इसका इंजन जब रेडी हो जाएगी ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इंजन का काम कैसे हुआ, पता भी नहीं चलेगा इसका इंजन का काम भी हुआ है, क्योंकि इंजन इसका ओवरऑल नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इसकी कनेक्टिंग रोड डल रही है, रिंग डलेगी और हेड गैसकेट वगैरह डल के सर्विस वगैरह होके ओके हो जाएगी। तो सारा चीज़ दिखाएंगे क्या फॉल्ट निकलता, क्या पता हेड के वाल्व भी बैंड हो सकते हैं, ऐसे में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि इसमें नुकसान क्या हुआ है। तब तक अगर कोई भी आपको क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तब तक के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम गाइस।